क्या आपने किसी बैंक के माध्यम से या फिर एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई लोन लिया है और आप उसको पे करने में पूरी तरह से असमर्थ हैं, आप बैंकों से परेशान हैं, आप एनबीएफसी से परेशान हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको ये कहा जा रहा है कि आपने हमारे साथ में फ्रॉड किया है, आपने हमारे साथ में चीटिंग की है, हम आपके ऊपर केस कर देंगे, तो देखो आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने इन बैंक और एनबीएफसी को एक बड़ा झटका दिया है। इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया, जो भी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जा रही है आप 100% मिस कर देंगे। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की यूजफुल इंफॉर्मेशन लेकर के आते रहें, वैल्यूबल इंफॉर्मेशन लेकर के आते रहें, कृपया करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। देखिए आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, अभी हाल ही में हम लोगों ने एक पेड सर्विस की शुरुआत की है ऐसे व्यक्तियों के लिए जो बैंक और एनबीएफसी से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, जिनको कोई ऑप्शन नजर नहीं आता है, उनको बेटर से बेटर एडवाइस इंस्टेंटली चाहिए, तो देखिए आप इस पेड सर्विस को ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करानी होंगी, जैसे कि आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर प्लस आपकी जो प्रॉब्लम है वो, और आपको बताना होगा आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट चाहिए। ये जब आप हमें बताएंगे तो हम आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, अच्छे तरीके से चेक करेंगे, और अगर हमें लगेगा केस सामान्य जानकारी के लायक है, मतलब सामान्य जानकारी से ही आपको अच्छी खासी मदद मिल जाएगी, तो हम आपको सामान्य जानकारी के चार्जेस बता देंगे, हमसे बातचीत करने के चार्ज बता देंगे। अगर हमें लगेगा कि ये सामान्य जानकारी नहीं है और इसमें लीगल एडवाइजर की आवश्यकता है तो हम आपको एक बेटर लीगल एडवाइजर से कनेक्ट करा देंगे। देखिए हम कोई खुद लीगल एडवाइजर नहीं है, बट हमारे साथ में मल्टीपल लीगल एडवाइजर जो है वो कनेक्टेड है, मल्टीपल लीगल एडवाइजर से हमारे कॉन्टेक्ट हैं, हम जो भी आपका इश्यू होता है आपके एरिया के अकॉर्डिंग बेटर लीगल एडवाइजर से आपको कनेक्ट करा देते हैं, तो आप इस सर्विस का जरूर लाभ उठाइएगा। और ध्यान रखें लीगल एडवाइजर से आपको जब हम कनेक्ट कराएंगे तो इसमें आपको थोड़े चार्ज जो है वो ज्यादा देने पड़ सकते हैं, अब ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा होंगे, और यूट्यूबर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा मिनिमम चार्जेस होंगे। तो चलिए अब ज्यादा वक्त न लेते हुए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। जब भी आप किसी बैंक के माध्यम से, किसी एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई भी लोन लेते हैं और बाई चांस आप उसको पे करने में थोड़ी देरी कर दें या आप कंप्लीटली डिफॉल्ट कर दें, तो बैंक और एनबीएफसी के द्वारा इस तरीके का रवैया आपके साथ में उपयोग में लाया जाता है, जिससे आप पूरे तरीके से काफी ज्यादा टेंस हो जाते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आप पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं राकेश कुमार, जिन्होंने मुझे बताया सर मैंने 2020 में एक एनबीएफसी के माध्यम से लोन लिया था और लगभग 3 से 4 ईएमआई में पे कर पाया, बट उसके बाद पे नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि सर जी मेरे ऊपर बहुत बड़ी समस्या आकर के खड़ी हो गई थी। वो समस्या क्या थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट में मुझे काफी चोट लगी थी, जिस वजह से मैं अपना जो काम था वो भी कंटिन्यू नहीं कर पाया और भी कई समस्याएं मेरे साथ में हो गई, लेकिन अब मैं पूरे तरीके से स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, अच्छी तरह से जॉब भी कर रहा हूँ, एनबीएफसी को क्लियर बोल रहा हूँ कि मैं ठीक है पेमेंट कर दूंगा बट मुझे वक्त दो। लेकिन एनबीएफसी ने क्या कहा है कि हम आपको समय नहीं देंगे और आपके ऊपर हम अब फ्रॉड का केस कर देंगे, आपने हमारे साथ में फ्रॉड किया है। तो देखो अगर आप एक जेन्युइन प्रॉब्लम के अनुसार अपने लोन को डिफॉल्ट किए हैं, आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, तो आप फ्रॉड नहीं कहलाए जाओगे। फ्रॉड आप तब कहलाए जाओगे जब आपने किसी बैंक एनबीएफसी से लोन लेते समय कोई गलत डॉक्यूमेंट दे दिया, आपकी इनकम कुछ थी आपने कुछ बता दिया एडिट करके स्टेटमेंट वगैरह में, आपने पूरे तरीके से जो चेक दे दिया वो गलत दे दिया, आपने जो ईसीएस एक्टिव किया है उसमें आपने बैलेंस प्रॉपर मेंटेन करके नहीं रखा, एक भी ईएमआई आपकी नहीं कटी, तो कई सिनेरियो हैं जिसके आधार पर आप फ्रॉड कहलाए जाओगे। अगर आपके पास में रुपया है, पैसा है, आप जान पूछ करके बैंक को पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, एनबीएफसी को पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, तब आप पूरे तरीके से माने जाओगे कि भैया आपने चीटिंग किया, आपने फ्रॉड किया है, ऐसे आप फ्रॉड नहीं माने जाओगे। तो देखो मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं, अगर कोई भी बैंक एनबीएफसी आपको ये कह रहा है कि आप फ्रॉड हो और आपके ऊपर हम फ्रॉड का केस करेंगे, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बैंकों की जानकारी के लिए बता दूं, एनबीएफसी की जानकारी के लिए बता दूं, देखिए 2016 में आरबीआई ने ये क्लियर किया था कि अगर कोई व्यक्ति फ्रॉड करता है तो बैंक उसके ऊपर इंस्टेंटली फ्रॉड वगैरह का केस जो है वो कर सकते हैं, बट पूरी तरीके से बैंकों ने क्या किया, एनबीएफसी ने क्या किया, इसका गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया।
जो व्यक्ति मतलब ठीक ठाक होते थे, नॉर्मल व्यक्ति होते थे, उनको भी इन्होंने फ्रॉड साबित करना शुरू कर दिया। अब ऐसा मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे तरीके से बैंक और एनबीएफसी को वार्निंग दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोल दिया कि अगर कोई व्यक्ति फ्रॉड है भी तो आप उसको एक मौका और दो, बट आप तो जेन्युइन डिफॉल्टर हैं फिर भी है आपके साथ में ऐसा कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, आर्टिकल में साफ साफ लिखा है, ये आप देखिएगा, ठीक है ना। और ये न्यूज देखो, आप किसी भी व्यक्ति को फ्रॉड कहने से पहले उससे बातचीत करें, उसकी समस्या का आकलन करें, ये पेमेंट क्यों नहीं कर रहा है, पूरी तरह से इस पर डिस्कस करें अच्छे तरीके से, व्यक्ति से बातचीत करके सारी चीजों को समझ के, तब अगर आपके पास में पर्याप्त सबूत हैं तब आप ये कहो कि हाँ भाई ये व्यक्ति फ्रॉड है। ऐसे ही किसी को आप फ्रॉड साबित मत करो, अगर आप ऐसे करोगे तो पूरी तरीके से ये ठीक नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति फ्रॉड भी है तो भाई उससे कहो कि तू ये फ्रॉड गर्दी मत कर और हमारा पेमेंट कर दे। जब आपकी वार्निंग देने के बाद में ये सब चीजें नहीं हो रही हैं तब आप उस पर फ्रॉड का केस कर सकते हो। तो देखो, आप जब भी किसी बैंक के माध्यम से, किसी एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई लोन लेते हैं और बाई चांस आप उसको पे नहीं कर पाते हैं और आपकी एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो उस केस में आप बिल्कुल भी फ्रॉड व्यक्ति नहीं है। आप फ्रॉड तभी माने जाओगे, मैंने आपको बता दिया है कब माने जाओगे। और अगर कोई बैंक एनबीएफसी आपको जानबूझ करके फ्रॉड घोषित भी कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने कह दिया तो आप फ्रॉड हो गए। सुप्रीम कोर्ट है और भी कोर्ट है, आप वहां जाइए, अदालतों में जब पूरे तरीके से मामला जाता है तो सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। हमारे देश का जो संविधान है इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है जिसमें कि व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती और न्याय भी मिल जाता है अगर सही तरीके से लड़ा जाए तो। तो ये बैंक और एनबीएफसी की मनमानी अब नहीं चलेगी, और अगर किसी डिफॉल्टर को ये फ्रॉड साबित कर रहे हैं तो ये गलत तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो बैंक और एनबीएफसी को पूरे तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये झटका दिया है। अब बैंक और एनबीएफसी का इसमें क्या कहना है, बैंक और एनबीएफसी इसमें ये कह रहे हैं कि देखो ये पूरे तरीके से ठीक नहीं है, इससे तो कानूनी प्रक्रिया का जो मामला है वो बनता रहेगा और हमें लोन रिकवर करने में भी दिक्कत आएगी, ये बैंक का मतलब इस मामले में कहना है। अब देखिए, कुछ बुद्धिजीवी व्यक्ति ऐसे होंगे जो कमेंट में आकर ऐसा कहेंगे कि आप ये जानकारी कहाँ से दे रहे हैं, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपके पास में क्या सबूत है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा है। तो देखो, ये एक आर्टिकल है, आप साइड में देख लीजिएगा, और अच्छे खासे न्यूज मीडिया से ये आर्टिकल है, इसमें पूरी तरीके से बताया गया है। 28 मार्च 2023 का ये आर्टिकल है, भले ही पुराना है बट इसमें जो सारी चीजें हैं वो केस के आधार पर फिट बैठ रही थी, तो मैंने इसको पूरे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये 27 मार्च 2023 में ही कहा है, राइट। तो इस चीज को आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। और कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो कि बहुत ज्यादा बैंक और एनबीएफसी के नोटिस को देख करके डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो देखिए, आपको डरना घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक जेन्युइन कस्टमर हैं, अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आपके ऊपर कोई बैंक एनबीएफसी कुछ नहीं कर पाएगा। बट अगर आपने किसी प्रकार का कोई फ्रॉड किया है, आपने विलफुल डिफॉल्टर अपने आप को बना लिया है, मतलब रुपया पैसा आपके पास में है लेकिन आप पैसा नहीं दे रहे हैं, तो बैंक और एनबीएफसी के पास में इतने अधिकार जरूर हैं, वो आपको अच्छे तरीके से हवा खिला सकता है जेल की। ये बात मैंने काफी वीडियोस में कही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बैंक एनबीएफसी को झटका दिया है, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे, और डिफॉल्टर्स की तो मौज आ गई है जो जेन्युइन डिफॉल्टर्स हैं। तो आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट में आप मुझे जरूर दें। मैं फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।